नमस्कार, मैं शशि जायसवाल शशि किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बैंगन का भरता बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने इस टाइप के 5 बैंगन लिए हुए हैं। इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा करके गैस पे रखते हैं। ठीक है व्यूअर्स, हमने ये बैंगन गैस पे रखे हुए हैं। इस तरह से हम 5 बैंगनों को भून लेंगे। उसके बाद हम अदरक का टुकड़ा लेंगे, लहसुन की कलियां, हरी मिर्ची, टमाटर, मटर, प्याज, हरा धनिया इत्यादि लेते हैं और मसाले। अब हमने प्याज को काट लिया, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, टमाटर, हरा धनिया और मटर, इन सभी को धो करके हमने काट लिया। उसके बाद देखिए 1 टेबल स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, जीरा, नमक स्वाद अनुसार, कुछ खड़े मसाले लिए, कुछ काली मिर्ची 1/2 इंची, दालचीनी का और 2 तेज पत्ते। ठीक है, ये देख हमने ये बैंगन भून लिए 5। अब इसको निकालने का तरीका ये, इसमें तेल लगाया हुआ है तो ये छिलके जल्दी से निकल जाएंगे। इस तरह से हम सभी बैंगनों को निकाल लेते हैं। पानी का हाथ लगा लगा के इसको साफ कर लेते हैं। इस तरह से हमने 5 बैंगनों को भून करके और साफ कर लिया। देखिए कहीं कोई कीड़ा वगैरह ना हो। इस तरह से हमारे ये 5 बैंगन तैयार हो चुके, साफ हो चुके। हमने अच्छी तरह से इनको साफ कर लिया है। अब एक हम इसे मिक्सर में थोड़ा सा 1-2 राउंड चलाएंगे ताकि ये थोड़ा पिस जाए। करके गैस जला करके और फ्राई पैन रखते हैं। देखिए हमने ये ग्राइंड कर लिया, इसको ज़्यादा महीन नहीं पीसते। ज़्यादा महीन पीसने से ये टेस्टी नहीं बनता है। ये देखिए हमने इसे पीस लिया है। अब हम फ्राई पैन में तेल डालेंगे। इसमें तेल डाल लेते और इसे गर्म होने देते हैं। जब तक इसमें धुआं ना आ जाए तब तक इसको हम गर्म करने देते हैं। अब देखिए ये तेल गरम हो गया है, धुआं देने लगा है। इसमें 1/2 टेबल स्पून हींग डालते हैं, जीरा को डाल देते हैं, उसके बाद खड़े मसाले डालते हैं, ये लहसुन डालते हैं और लहसुन को
सुनहरा होने तक भूनते हैं। हाँ कट गया, कोई बात नहीं। मीडियम फ्लेम पे रख के अदरक डाल देंगे, इसे भी भूनेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम ये प्याज डाल देंगे। और इनको चलाते रहेंगे, मीडियम फ्लेम पे चलाते रहेंगे। जब तक चलाएंगे तब तक प्याज थोड़ा सुनहरा ना हो जाए, हल्का भूरा होने तक चलाएंगे। देखिए अब ये थोड़ा सा हाई फ्लेम कर देते हैं और अपना ये प्याज ब्राउनी हो गया है हल्का। अब इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले रेड चिली पाउडर, टर्मेरिक पाउडर, धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, डाल करके और इसको चलाते हैं। दो मिनट के लिए इसे चलाएंगे। इसके बाद टमाटर डाल देते हैं, हरी मिर्ची और इसे घुमाएंगे। मसाला भूनने के बाद अब इसमें ये साफ किए हुए मटर डाल देंगे। मटर को जब तक पकाएंगे तब तक मटर पक नहीं जाए और कुछ टाइम के लिए इसको ढक्कन से ढक देंगे। छोटू देखिए ये अपना थोड़ा सा फ्लेम को तेज कर देते हैं और हमारी मटरें पक गई हैं। इसको थोड़ा सा और चलाते इसमें हम अब ये पिसा हुआ अपना बैंगन का भरता डालेंगे। और इसको चलाएंगे। इसमें दोस्तों आप मिर्च अपने अनुसार खा सकते हो, कम या ज़्यादा, किसी को तीखा पसंद होता है, किसी को कम मिर्ची वाला। अब इसमें गरम मसाला डाल देंगे। और 2 मिनट ढक के इसे लगाएंगे। देखिए अब हम अपनी गैस को बंद कर देंगे। और इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे।
ये हमारा बैंगन का भरता बन गया। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अनुभव हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू।